तो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ एंड सुबह हो गया है, मतलब सुबह का अभी 8 बज रहा है। सो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि कल के सामने एक मंदिर है, जो कि उस टाइम जब हम लोग आए थे तब पर्दा लगा दिया था, लेकिन अभी खुला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो है हमारा रूम एंड ये रहा वो मंदिर। आई डोंट नो कि आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा दूर है एंड आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर चला भी जाऊँ फिर भी वो बहुत ऊपर होगा तो मैं ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए मैं इसी जगह से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा है सामने वाला जो मंदिर है ना, ये रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रात में भी एक वीडियो दूँ आपको, कि सुबह में उतना आप सभी लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन है बहुत ही सुंदर। तो अभी हम लोग का ये प्लान है कि अभी थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे इधर उधर और कुछ आप सभी लोगों को क्लिप्स भी दिखाएंगे यहाँ के जो भी मंदिर है वो सब के। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और इसके बाद रेडी होके निकलते हैं बाहर और आप सभी लोगों को दिखाते हैं बाहर का जहाँ यहाँ का जो भी मंदिर है कैसा है वो सब दिखाते हैं। चलिए निकलते हैं। तो गाइज़ अभी हम सभी लोग बाहर घूमने निकले हैं एंड यहाँ का जो भी अच्छा मंदिर है वो सभी मंदिर को हम एक्सप्लोर करने भी निकले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं एक एक मंदिर को और आप सभी लोगों को भी दिखाते हैं। तो मैं ऐसे ही जा रहा था इस गली से जो कि यहाँ का एक छोटा सा मार्केट है, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछा ये पूरा मार्केट एरिया है। एंड चलते चलते मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा, वो है ये। तो ये एक बेसिकली मंदिर है, लेकिन आप मंदिर को ज़रा एक बार देखिए कि कितना अच्छा है। मतलब पूरा तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना ऊंचा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा चैतन्य देव, यहाँ का बर्थ प्लेस है, या मतलब इन्होंने जन्म लिया था यहाँ पर, तो इसीलिए हर जगह पर आपको चैतन्य देव मिलेगा और उनका मूर्ति भी मिलेगा और उनका मंदिर भी मिलेगा। तो ये चलते चलते मेरे को एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखा, जो कि मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों को एक बार दिखाया जाए। तो ये है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नवोदिका पूरा माता मंदिर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा माता मंदिर। एंड यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं, बाप रे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो इस साइड से हम जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग है सामने। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। तो आप जैसा कि यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये शिवलिंग है, तो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो मंदिर है ये भी बहुत बड़ा है, जैसे कि आप ऊपर तक देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर तक आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा एक शिवलिंग है। एंड ये जो मंदिर है ये भी पूरा एकदम पेड़ से घिरा हुआ है, मतलब ये जो रूट्स वगैरह है ये पूरा इससे घिरा हुआ है। तो मैं एक बार बाहर चल के आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बाहर का भी ये जो पूरा मंदिर है पूरा ये जो रूट्स वगैरह से घिरा हुआ है। तो हम लोग अभी आए हैं जो चैतन्य महाप्रभु है उनका जो जन्म स्थान है उस जगह पर हम लोग आए हैं। तो जैसे कि आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो जगह। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप सभी लोगों को फिर दिखाते हैं अंदर का जो व्यू है वो कैसा है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीम का पेड़ के नीचे, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही वो जगह है। सो ये वो जगह है एंड यहाँ पर वो देख सकते हैं, यहाँ पर आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, शायद आप दिख रहा है। सो ये है जन्म स्थान, ऐसा कुछ है यहाँ का ये मंदिर। वैसे एक चीज़ तो यहाँ पर लिखा है आप शायद पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इस दो लाइन को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया। तो यह है वो जगह, यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा है।
व्यू है वो कुछ ऐसा है, चांदर मतलब जो है आप ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, एंड वो रहा वो जन्म स्थान। सो बहुत ही अच्छा है। तो गाइज अभी हम सभी लोग आए हैं प्राचीन मायापुर के यहाँ, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा गोविंद जी का एक 60 फुट का एक स्टैचू, एंड ये रहा मेरा लेफ्ट साइड, यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है, एंड ये रहा मेरा राइट साइड, यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं सामने बहुत सारा कॉइन्स है और कुछ स्टैचूज है भगवान कृष्ण जी का, एंड 60 फुट का स्टैचू, बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड सामने ही ये गुफा है जहाँ से हम सभी लोग अभी इंटर कर रहे हैं, तो चलिए इंटर करते हैं। और बहुत ही अंधेरा है, इस वजह से जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, एंड मैंने एक दो बार यहाँ पर ठोक के देखा कि किससे ये बना है, ये जो गुफा है तो ये पूरा प्लास्टिक का है, मैंने एक बार दो बार ठोका भी था। तो चलिए, तो हम चलते चलते बाहर भी निकल चुके हैं, एंड बाहर जाके शायद वो जो 60 फुट का स्टैचू है और भी ज़्यादा करीब आ जाएगा। सो यस, ये रहा वो 60 फुट का स्टैचू, बहुत ही करीब आ चुका है हम, एंड इतने सारे मूर्ति भी हैं बाहर। ये क्रॉस करते ही मैं यहाँ पर आया, एंड यहाँ पर आप जो व्यू देख सकती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं सभी आप सभी लोग दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बोलते हैं कि गुप्त वृंदावन का नीला है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो पूरा ऐसा घिरा हुआ है, गार्डेड है ये पूरा, यहाँ पर है ये पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर और एक है, सामने भी है, यहाँ से सामने आप जाएंगे तो सामने भी है, चैतन्य महाप्रभु है यहाँ पर, यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस साइड पर भी है, आप देख पा रहे हैं हनुमान जी है यहाँ पर, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये है। ये भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी है। तो फाइनली फिर यहाँ पर आके ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ख़त्म हो जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जाना होगा यहाँ से बाहर जाने के लिए, चलिए यहाँ से फिर निकलते हैं बाहर के लिए। ये एक चीज़ है जो कि मैंने मिस कर दिया था, तो ये साइड में था इसलिए मैंने उसको देखा नहीं, तो ये भी आप देख सकते हैं, एंड वहाँ से फाइनली हम लोग बाहर जाएंगे। एंड ये आप सामने भी एक देख सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये यहाँ से देखने पर। हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूरा आप अंदर का एक व्यू देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, तो मैं सब आप
पूरा जो एरिया है मैंने कवर कर दिया है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे वही लगा। तो हम सभी लोग जिस गुफा के अंदर एंटर किए थे, ये है उसका व्यू बाहर का। एंड सबसे ऊपर यहाँ पर शिव जी हैं बैठे हुए। एंड अभी मैं थोड़ा सामने जा रहा हूँ, क्योंकि सामने का जो व्यू है वो भी आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा सामने का व्यू। एंड यहाँ पर ये जो गुफा है वो एंड हो जा रहा है, मतलब यहाँ से ही हम लोग एंटर किए थे। एंड वो रहा केदारनाथ। तो बाहर निकलते ही सबसे अच्छा जो मुझे देखने को मिला वो है कि ये, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस मंकी का एक छोटा सा बच्चा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे मंकीज हैं, लेकिन ये बच्चा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है यहाँ का स्पेशल पिठाई परोठा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक ले लिया है। एंड यहाँ पर भैया बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे बनाते हैं यहाँ पर पूरा लगी। तो वो रहा पराठा, जैसे कि देख सकते हैं आप कितना बड़ा यहाँ साइज है। एंड यहाँ पर ये ऐसे वेट करके मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने वेट कर दिया और उसके बाद ऐसे तोड़ के दे दिया। तो चलिए अभी इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगा है मुझे। तो गाइज अभी हम सभी लोग घर आ चुके हैं। एंड आज का जो दिन है वो हम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया है। और भी चीज़ें हैं, और भी टेंपल्स हैं जो कि आप सभी लोगों को मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में वो सभी टेंपल्स को दिखाता तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस वीडियो को, मतलब वो जो टेंपल्स हैं उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में दिखाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप सबके दोस्त लोग के साथ, क्योंकि मायापुर वाला जो वीडियो है वो अभी भी बाकी है, जो कि मैंने कवर भी किया है, लेकिन वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वजह से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो अभी के लिए निकलते हैं, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।